वजीरे दाखला अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य के स्टैचू ऑफ पीस की नकाब कुशाई की। रामानुजाचार्य एक वैदिक फलसफी और सामाजिक सलाहकार के तौर पर काबिल एहतराम हैं। इन्होंने बराबरी और सामाजिक इंसाफ की वकालत करते हुए पूरे हिंदुस्तान का सफर किया। रामानुजाचार्य ने भक्ति तहरीक को जिंदा किया और इनकी तबलीगात ने दीगर भक्ति मकातबे फिक्र को मुतासिर किया। इन्हें अनामाचार्य, भक्ता रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे शायरों का इल्हाम समझा जाता है। तकरीब से वजीर दाखला अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पैगाम में कहा कि ये मुजस्मा न सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क में अमन का पैगाम होगा। वजीर दाखला ने कहा कि गुजरात हुकूमत भी अगले साल रामानुजाचार्य के स्टैचू ऑफ पीस को नस्ब करेगी। वहीं तकरीब से जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि स्टैचू ऑफ पीस कश्मीरियत को फरोग देने में एक कदम साबित होगा और इससे यहां का आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा। मैं भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति इस भव्य स्टैचू ऑफ पीस के वर्चुअल अनावरण के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों के लिए उत्साह, प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करेगी। मित्रों, सूर्यावर शिव मंदिर में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की विशाल भव्य मूर्ति स्टैचू ऑफ पीस के जरिए कश्मीर घाटी विश्व को आज शांति, सद्भावना, सर्वपन संभाव का संदेश दे रही। और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ऐसा संदेश आज कश्मीर घाटी से जा रहा है जिसने दशकों तक हिंसा को झेला है और उसकी व्यर्थता को स्वयं महसूस किया। शांति ही जीवन का सार, यही बात व्यास जी ने महाभारत में कही थी और इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं सर्वभूतेषु संयमः अहिंसा, अर्थात किसी भी इंसान के प्रति संयम रखना, असत्यवादी प्रवृत्तियों को रोकना तथा सभी के साथ मित्रता का व्यवहार रखना ही अहिंसा है और यही शांति तक पहुंचने का मार्ग है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य रामानुजाचार्य जी का अमृतशिला विग्रह को आदरणीय हमारा भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। यहाँ के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी इधर आके ये कार्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। संत रामानुजाचार्य जी का ये स्थापित मेलुकोटे यदुगिरी यतिराज मठ के 41 रामानुजाचार्य जी का अवतार ही बोल सकते हैं, श्री श्री यदुगिरी यतिराज नारायण जीयर स्वामी जी इधर आके पूरा भारत को ही नहीं, कश्मीर को, कश्मीर की क्या अभी माहौल है, इसीलिए स्टैचू ऑफ पीस नाम से ये विग्रह अनावरण किया है। ये पूरा भारत में ही नहीं, पूरा विश्व में ये बहुत बड़ा विग्रह और प्रसिद्ध स्थल होने जा रहा है। ये मौसम, ये अवसर पे पूरा कश्मीर की जनता और इधर का प्रशासन को हम विशेष रूप से धन्यवाद बोलना चाहते हैं।